मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार यादव और ये मेरी माता जी मुन्नी देवी। और साल में हम लोग को साल भर पहले मतलब इनको ये मालूम चला कि इनके किडनी में इन्फेक्शन है, उल्टी होने लगी, दस्त होने लगा, तो हम भाग के लेके ऊपर हॉस्पिटल वाराणसी में गए। वहाँ इलाज चला साल भर तक। उसके बाद किडनी 9 थोड़ा सा था, मैं बढ़ते बढ़ते 7 पे आ गया और हालत सीरियस हो गई। तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि भाई की तो ट्रांसप्लांट कराइए कि तो डायलिसिस कराइए। उसके बाद वहीं उन्होंने डायलिसिस एक की। उसके बाद फिर हम अपने घर चले गए गाजीपुर। फिर 3-4 तारीख में अचानक फिर तबीयत गड़बड़ा गया, फिर हम लोग लेके वहाँ पे आए तो वहाँ फिर 2 डायलिसिस हुआ। तो फिर आराम मिला तो हम वहीं से हमको मालूम मतलब घर गए तो एक अचानक दिमाग में एक लोग डाले कि नहीं आयुर्वेद की दवा करी, इसमें आयुर्वेद में अच्छी दवा है। तो हमने गूगल पे सर्च किया तो हमें यहाँ का पता मिला, तो हमने यहाँ कांटेक्ट किया तो बोले कि ठीक है अपना हमारी तो हमको पेशेंट नहीं आ पाएंगे, मैं आ जाऊँ तो नहीं आ जाइए पेशेंट लेके। तो हम लोग आए यहाँ पर और सारे रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है दवा चलाइए, आराम हो जाएगा धीरे धीरे। फिर हमने दवा स्टार्ट की और तब तक डायलिसिस 5 बार हो चुके थे। और यहाँ से जाने के बाद दवा खिलाने लगे। फिर धीरे धीरे हमने जो 3 पे डायलिसिस कराते थे उसके बाद हमने जब चेक कराया तो किडनी 9 कम हुआ था, तो हमने 1 हफ्ते पे फिर कराया। फिर उसके बाद और किडनी 9 1 हफ्ते बाद मैंने फिर चेक कराया तो और कम हो गया, 2.80 हो गया। तो डायलिसिस वाला खुद बोल दिया वहाँ का कि भैया आपका नॉर्मल है। और डॉक्टर साहब से भी हमने आपको फ़ोन करके पूछा अपना रिपोर्ट दिखा के, तो बोले कि नहीं अब डायलिसिस बॉडी के अनुसार कराओ, चेक कराते रहो, अगर बढ़ता है तो। पर वो बढ़ा नहीं, आज 14 दिन हो गया हमने डायलिसिस नहीं कराया। यहाँ के इलाज से हम बहुत संतुष्ट हैं और मैं अपने दोस्तों में भी जो भी हमें मिलता है उस प्रकार के पीड़ित लोग तो हम बताते हैं कि वहाँ मतलब जिंदगी बच सकती है।